हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं जा रही नीचे पार्सल लेने, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, पार्सल ऊपर आने नहीं दिया है। सिक्योरिटी गार्ड ने मचमच करता जाता है बस हमारा। इससे ना मेरा पंगा भी होता है, दो तीन बार हो चुका पहले भी, वरना हमेशा मेरा पार्सल ऊपर आता क्योंकि आज है मेरा पार्सल डे। आज मेरे सारे पार्सल आएंगे, पार्सल डे, टुडे इज माय पार्सल डे, क्योंकि मेरे सारे पार्सल आज ही आने। इसके लिए देखते हैं अभी नीचे चल के क्या हुआ है क्या नहीं। देखना नाइटी में आ गई, चाय बनाने जा रही थी, बस दुपट्टा ओढ़ लिया, ले लिया अपना पार्सल, ये रहा मेरा पार्सल। अब देखते हैं इसमें ऊपर जाके क्या निकलेगा। अभी नहीं खोलूंगी, सारे पार्सल एक साथ खोलूंगी, पता नहीं कितने आने हैं अभी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें बुक की थी तो वो एक ही है। तो क्योंकि मुझे अमेजोन बहुत पसंद है इसलिए मैं अमेजोन से ही सामान मंगाती हूँ। बिल्कुल, मतलब कहते ना चीप एंड बेस्ट प्राइस में मिलता है, ऑफर के साथ मिलता है, इवन घर पे आ जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोग भी कहीं कहीं जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, इससे अच्छा तो घर बैठे बैठे सामान मंगा लो, तो उसके लिए अमेजोन बेटर है। आप लोग भी देख लेना अमेजोन पे, क्योंकि मेरा अमेजोन पे तो मुझे इतना ऑफर मिलते हैं क्योंकि मैं हमेशा लेती हूँ। जी बन गया हमारा नाश्ता, मैंने बनाए सॉसेजेस अपने लिए, थोड़े से थे मैंने बना लिए, चाय बन गई है, मम्मी खा गई मक्खन के साथ रोटी। तो ये जी नन्नी आ गई है मेरे पास अभी अभी उठ के, और उठते इनका तोड़ गाना लगा दिया है मैंने, है ना आले, कितनी खुश होती है। अमान मार देगी, मुंह पे हट जाए यहाँ से, उसको कुछ नहीं पता है ना। नन्ना इधर देखो, नन्ना को मैंने यहाँ बिठा दिया और मैं जा रही हूँ मेंटेनेंस ऑफिस रूम। मैंने अपना पूरा क्लीन कर दिया है, बाहर का एरिया साफ हो जाए, बाकी इसका कोको मिलन चल रहा है ना नन्ना, है ना। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, ये भी मम्मी, हम लोग जा रहे हैं मेंटेनेंस ऑफिस क्योंकि हमें कुछ काम है, तो जल्दी से काम कंप्लीट कर लेंगे। आने के बाद देखते हैं अगर और पार्सल हुए आएंगे, अदरवाइज अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको यही पार्सल खोल के दिखा दूंगी कि इन पार्सल्स में क्या क्या है। वैसे तो आज दो तीन पार्सल और आने थे क्योंकि मैंने तीन चीजें बुक की थी, तो अभी दो ही आई है, तीसरी चीज आई थिंक शाम तक आ जाएगी, तो शाम तक का वेट करते अगर नहीं आए तो मैं आपको वैसे भी दिखाई दूंगी कि क्या है इसमें, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा एक्साइटेड मैं हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी होती है अपने पार्सल्स खोलने की। और ग्राउंड फ्लोर आ गया, चलते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, मैं अपनी बाथरूम स्लीपर नीचे पहनी आई पगलाहटपन में, और मम्मी मुझे बोल भी रही थी, कहती नीचे देख, मैंने चुप करा दिया क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। मम्मी आपने कब देखी मेरी चप्पल, ये देखना यार, ये मेरी बाथरूम स्लीपर है, बहुत कंफर्टेबल है, बट ये यहाँ पहनने के लायक नहीं है। ऐसे पानी वानी में पहनूंगी तो किचकिच से हो जाएगी, इसको फेंकना पड़ जाएगा, बट कोई बात नहीं, अब तो इस चप्पल का फेंकने का ही टाइम आ गया। वैसे देख लो कैसा है, धूप है, सामने की सारी चमक आ जाएगी, इधर की सारी वो है क्योंकि यहाँ की तरफ धूप नहीं आती, यहाँ पे कम धूप आती है और हमारा घर ऊपर है इसलिए यहाँ पे ठंडा रहता है, तो कमरा कुछ ज्यादा ही ठंडा रहता है। दोस्तों पता नहीं, एसी भी नहीं चलाती, फिर भी हमारे रात में बोल रहा कि अब भी आपने एसी चलाया था क्या? मैंने कहा नहीं बेटा नहीं चलाया था, फिर भी कमरा इतना ठंडा रहता, पता नहीं क्यों ठंडा रहता है। जल्दी से वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं, और भी बहुत काम है दोस्तों, घर के काम तो कभी खत्म ही नहीं होते, आप अच्छे से जानते हैं जी। हम क्लब हाउस और वो है मेंटेनेंस ऑफिस, जल्दी से काम कंप्लीट कर लेते हैं। अभी अभी निकली हूँ दोस्तों, सिर्फ मेंटेनेंस ऑफिस से जस्ट अभी निकली हूँ क्योंकि मम्मी घर चली गई, मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी बहुत ज्यादा। मैंने उनसे बोला आप घर चली जाओ, मैं बाकी काम निपटा देती हूँ, चप्पलें देख लो मेरी कसम से, पैर पूरा बाहर जाया जा रहा है चप्पलों में से। और मैंने सोचा कि रात को दूध बैठ लेते हैं तो अभी ले लेती हूँ, बस दूध बैठ ले लिया है अपने लिए, पीनट बटर ले लिया है, और वो जो हैंग करने का होता है वो ले लिया है डबल टेक वाला, बस घर चलेंगे क्योंकि बहुत थकावट हो जाएगी। यहाँ से ही जाते हैं शायद उधर की तरफ, हाँ यहीं से जाते हैं, तो चलते हैं जल्दी से घर। घर में जाके थोड़ा व्यस्त कर लूँगी यार, कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, वो जो सोफे वोफे उठा रही थी ना, सोफे वोफे साइड करने दर दर्द करने, उसकी वजह से ना मेरी नस खिंच गई है, तो बहुत दर्द हो रहा है हिप्स की साइड में, मतलब उठ के बैठा नहीं जा रहा, बैठ के उठा नहीं जा रहा, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। देसी घी खाना चाहिए ना, वही तो बात है ना, बासी रोटियाँ खाएंगे तो हड्डी मजबूत रहेगी, बट नहीं है क्योंकि हम लोग खाते ही नहीं। चलते हैं जल्दी से घर पे, ये नया टावर रेडी हो रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है, इसी टावर के अंदर से निकलूंगी। रात में आया अगर कोई, रात में निकलने की हिम्मत नहीं होगी उसकी, इस टावर में से देखो कितना डरावना है। हम हो गई है तो बच्चे लोग खेलने आ गए, ये टाइम है शाम का सबका खेलने का, और कहीं पर भजन चल रहे हैं क्योंकि नवरात्रि है इसलिए ये बच्चों का, यहाँ पे हम लोग नहीं झूला झूल सकते, हमें झूलने भी नहीं दिया जाता सांडों को। तो दोस्तों अगर मैं ना डायरेक्ट मतलब उधर की तरफ से आती तो बहुत लंबा पड़ता, मैं देखो कहाँ से आई हूँ, वहाँ से पीछे से निकलती निकलती आई हूँ झुंड में से, गोल गोल घूमती हुई इधर उधर इधर उधर इधर उधर। और ये मेरी चप्पलें देख लो भाई, ये देखना इन्हें, इन्होंने मेरी बहुत जिंदगी आराम की, चप्पलें उतरे जा रही है बार बार, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। लिफ्ट दो तीन दोस्तों मेरी हालत देख लो, मतलब बिना मुंह धोए मैं घूम रही हूँ, बता नहीं सकती, सिर्फ ब्रश किया था और बिना मुंह धोए घूम रही हूँ, देखना कपड़े वपड़े पहन लिए, ऊपर जाके नहाऊंगी क्योंकि नहाना था मुझे, वो जो मेरा छज्जा खुला हुआ है ना बाथरूम का उसको बंद कराना था, बहुत सारे काम थे, मेंटेनेंस चेंज हो गई है हमारी तो बहुत दिक्कत हो रही थी, इसके लिए गई थी नीचे, सारा काम कंप्लीट कर दिया है, ईमेल डाल देंगे ये सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी, बस अब जल्दी से चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, देन शावर लेंगे एंड देन
बाइबिल पढ़ेंगे। ये देखो दोस्तों, मैं ये लेके आई हूँ, ये जो क्लिप्स होते ना ये चिपका दो, मैं अमेजोन से मंगाई थी बहुत अच्छे वाले, बट वो महंगे आ जाते थोड़े, वो 250-300 रुपए के कुछ आ जाते, तो मैं ये ले आई, ये 100 कुछ रुपए का बढ़िया है ना। ये देखो इस पे डबल टेप लगा हुआ, इसको चिपका दे, ये चिपका जाएगा आराम से, कपड़े वपड़े इस पे हैंग कर सकते हैं अपने आप। ओहो इस पे गणेश जी बने हुए हैं। पौधे में पानी डालना भूल गई थी, पौधे में पानी डाल देते हैं। मेरा प्यारा सा पौधा, मेरा प्यारा सा पौधा, इसको मैंने बाहर लगा दिया था दोस्तों, क्योंकि अंदर ना कपड़े सही कर गई थी ना कल, इसके लिए लगा दिया था ये, बाकी हमारे टॉवल्स लटके हुए हैं, बाकी सारा जिम का सेक्शन यहाँ है, और आज मुझे भागने भी जाना है, बट अभी नहा लेती हूँ फिलहाल। फ्रेंड्स मैं नहा के आ चुकी हूँ, देख लो नन्नो को, नन्नो मेरे पास ही है, मैं नहा के आई हूँ सीधा, इसने ढाबा बोल दिया है, क्योंकि 24 घंटे मेरे पास रहती हूँ मैं, सीधा हाथ बहुत तेज हिल रहा है, क्योंकि मेरे सीधे हाथ में ताकत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है एक ही हाथ में ऊपर वाले ने सारी ताकत दी। इसको खिला भी रही हूँ, खेल ले रही है यार, अभी मुझे सिरम भी लगाना है, अभी मुझे कितने काम करने, मुझे बाइबिल भी पढ़नी, क्या करूँ अनाया तुम्हारा, मैं क्या करूँ तुम्हारा, ऐसा लगता है मेरी बेटी है ना नन्ना। ये नन्ना को देख लो, ये कार्टून लगा दिया इसका मैंने, ये मुझे लड़की देखो, ये सीरम भी रख दिया, लोशन भी रख दिया, ये लाई थी अपने लिए पीनट बटर, अपना बाथरूम का वो भी नाड़ा भी रख दिया, और ये कार्टून देख रही है, बाथरूम में भी नहीं जाने देती, इसकी मम्मी नहाने गई हुई ना दोस्तों, इसके लिए मैं इसको लेके बैठी हुई हूँ, वैसे तो ये मुझे छोड़ती नहीं है, आप लोग ब्लॉग देखते हैं बस मेरे पास ही रहती है। अनाया अच्छा लगता है आपको ये है, है? इसके कपड़े कितने गंदे हो जाए, ये बिस्किट खा खा के फिर लगा रखे इसने अपने कपड़ों पे, क्या करूं मैं दोस्तों इसका ये। अनाया क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग 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 करो बेटी, बेटी अन्ना क्लैपिंग करो, अन्ना क्लैपिंग, ओले ओले ओले, देखो कर दी दोस्तों क्लैपिंग की इसने, अनाया क्लैपिंग करो, क्लैपिंग कुछ तो सीखा माई बच्ची ने, नन्ना क्लैपिंग कर दो जल्दी से, नन्नो क्लैपिंग करो, क्लैपिंग क्लैपिंग कर दो। मैंने फ्रेंड्स इसको पीनट बटर खिला दिया है, थोड़ा सा खिला दिया, ज्यादा नहीं खिलाया, और मूंगफली वोफली नहीं खिलाई, खाली बटर बटर खिला दिया थोड़ा सा, देखो ये बटर, अब ये मोगली देख देख के खुश हो जाइए है ना। अनाया आपको मोगली अच्छा लगता है, इसने मुझे 3 बार काटा दोस्तों, ये जल्दी से देखो इसके काटने के निशान, देखो ये है। तो मैंने रख दिया पानी, और मैं बनाने जा रही हूँ नूडल्स, 3 नूडल्स बना दूंगी, पेट भर जाएगा, और हमारा एक और पार्सल आ गया। ये फ्रेंड्स मेरा एक और पार्सल आ गया है, ये सब एक साथ ही खुलेंगे, तो अभी नहीं खुल रही मैं इसको, बाद में खोलूंगी, और ये वीडियो देख रहा है घमासानी उदो वाली। मैगी बनके रेडी हो गई है, देख लो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, ग्रीन चिल्ली डाल दी, मैगी मसाला डाल दिया, और थोड़े एक ही सॉसेज था उसके मैंने कम से कम 22 पीस करके अगर डाल दिए इसमें। ये शांति की अगर वो धूप बत्ती जो है ना, ये शांत धूप बत्ती है जिससे शांति रहती है, इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि घर में शांति बरकरार रहे। रिंग लाइट जल चुकी है और हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग करेंगे आज हम, ये रहे हमारे डब्बे। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में ना सिर्फ 3 ही पार्सल आए और नहीं आएंगे, क्योंकि फिर वो कल आएंगे। ये सब सामान मैंने बुक किया था घर के लिए दोस्तों, आप लोग भी बुक कर लेना। तो ये बैठ चुकी है अपने ओरिजिनल लुक में, ओरिजिनल लुक में, और ये आप कुछ करना चाहेंगे? हाँ बस मेरा दिल चाहता है मैं आराम करूँ, बस मेरा वक्त हो चुका है। अल्लाह से डरो, ऊपर वाले से डरो, सबसे डरो, बस खुदा से डर के ही बोलूंगी कि साज के वजह से ऐसे उठा ले। चल आजा आजा आजा, रिंग लाइट से हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ तो ये बहुत देर में खुलेगा पैकेट, अरे मैं खोलूं? नहीं नहीं नहीं, मैं कैमरामैन तेरे पास, उद्घाटन तो मैं ही करूंगी चीजों का, आई लव उद्घाटन करना। इसमें बहुत अच्छी चीज है जो मैंने घर के लिए मंगवाई है अपने, क्योंकि हमारे घर में ग्लासेस नहीं है, तो मैंने मंगाए हैं ग्लासेस, बस इतने बड़े डब्बे में ग्लासेस ही थे बस। ये अरे अरे क्या पता आईफोन 14 हो। वो तो वो मंगाएंगे मिस्ट्री बॉक्स, जब मेरे पास ना बहुत सारे पैसे होंगे ना, तो मैं 10,000 के मिस्ट्री बॉक्स मंगवाऊंगी, 10,000 के, और उसकी ओपनिंग अमानो में मैं करेंगे दोनों बहन भाई मिलके। खोलो। तो ये जी खुल गया है फाइनली मेरा डब्बा, और डब्बे में है ठब्बा, और ठब्बे में है अब्बा, ये जी लो आई लव। तो जी ये मंगवाए मैंने विस्की ग्लासेस घर के लिए, क्योंकि घर में ग्लास नहीं थे, तो मुझे विस्की ग्लास ही पसंद है, बोलते इसको विस्की ग्लास है, हम लोग इसमें विस्की ग्लास नहीं पियेंगे, इसमें पानी ही पियेंगे, बट इसको बोलते विस्की ग्लास ही है, और ये है ये ग्लास, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बहुत कॉस्टली होते हैं। तो ये जी हम, ये पैसा बचाने के लिए कह रही है, ये कह रही है पैसा बचाओ,
पर ये एक टूटते नहीं है, ये मजबूत गिलास है। जमीन पे मार रहे हैं, फेंक कर दिखा आप सबको ना, फेंक दूं। तो जी हम करने जा रहे हैं अब दूसरा उद्घाटन, और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, मुझे लगता है इसमें मेरी चीजें हैं। ये तो दीपू ने ऑर्डर किए थे गिलास, क्योंकि गिलास नहीं थे घर में। तो जी ये मंगाए मैंने परफ्यूम कलेक्शन, माय फेवरेट परफ्यूम कलेक्शन। ओपन करके दिखाती हूँ। ओहो ये देख, दिस वन इज ऑसम। हाउज इट लुक वाइज? बढ़िया लग रहा है, क्या है ना। ये मेरा परफ्यूम कलेक्शन, क्योंकि मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद है, मतलब मैं दीवानी हूँ। मेरे भाई लोग खत्म कर देते परफ्यूम, बट ये परफ्यूम मैं किसी को नहीं देने वाली। एक भाई मेरा, एक ही भाई खत्म करता है परफ्यूम, छोटा वाला लगाता है। खुशबू आती है हमेशा इसके अंदर से, इसके पापा कैसा ये खुशबू आती है। सब परफ्यूम पैरों पहन के दिखाओ, पैरों में, पैरों में नहीं, इसका हम लगा के देखेंगे। लगा ये तीसरा निकला है, ये भी बड़ा प्यारा है यार। मैंने ना फ्रेंड्स ये सब ना चेक करने के लिए मंगाए अभी, अगर मुझे इनकी फ्रेग्रेंस ज्यादा अच्छी लगी। अभी तो मैंने ये ट्राई किया, और दिस वन इज वेरी वेरी सेक्सी परफ्यूम। ये जी एक है सैंपल, दिस वन इज आल्सो एंड दिस वन इज आल्सो, बट इसकी ना ये देखो यार, इसका लुक बहुत प्यारा है। देख लो ये यहाँ के लिए लाई हूं मैं, ये मैंने तीन अपनी अलमीरा पे लगा ली, तीन यहाँ लगा देती हूँ। कुछ भी प्रेस कपड़ा है जो नहीं खराब करना, उसको यहाँ लटका सकते हैं। अब देखेंगे थोड़े दिन बाद यहाँ पे कितने कपड़े लटके होंगे। यही नहीं लटका होगा। या यही नहीं लटका होगा। ये देख लो जी, ये मेरा ड्रेस आ गया धुल के, इसको भी लगा देते हैं कबर्ड में। और हमने यहाँ पे भी लगाई है, देख लो। अमान तेवी ना उंगली बड़ी तेज लगती है मुझे, नहीं कर गई सिनेमैटिक में शूट। ये देखो जी, ये दो लगा दी है अभी, और बाकी रख दी है मैंने बाथरूम में। तो ये हम सेटिंग चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, क्या सेटिंग कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, सारी डिशे मैंने यहाँ लगा दी है कांच की, देखी ऊपर, और यहाँ कांच के गिलास रख दी है, मिक्सी का जार वगैरह रख दिया। मिक्सी भी जब यूज नहीं होगी तो अंदर आ जाएगी, ये जो एरिया है बाहर का हमारा साफ लगेगा, इसके लिए किया है मैंने ये सब चीजें। और बाकी मैं सोच रही हूँ मसाले के डब्बे ना इस तरफ रख रहे हैं, ताकि ना कि हाइट वाइट मतलब उसमें भी प्रॉब्लम ना ऊपर, क्योंकि इनकी हाइट छोटी है। मेरी हाइट की बात नहीं है, हम ना डब्बे पीछे देख नहीं पाते कौन से पड़े कौन से नहीं, बड़े डब्बे आगे लगाएंगे तो पीछे हाथ नहीं जाएगा, यही प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैं सोचूं, बाकी तो यहाँ पे स्टूल लगा हुआ है, अगर हम चाहे तो रख सकते हैं। हाँ। है ना, तो रख देते इसमें ही सारे डब्बे, आधे चिपकाने वाले नहीं है। तुमने देखिए अटैक है, देखा था मैंने कल, ये फिर धोगे कैसे अगर चिपका दोगे दोबारा, अगर गंदे होंगे। अरे तो ये तो कपड़ों से ही पूछ जाते हैं बेटा, तो फिर चिपकाओ, देखो चिपकने वाले हैं। नहीं है लब एकदम वो दे, ये कप लगा गया है, लगा ले, मैं बैठ गई थोड़ी देर, इसको ही लगाने देती हूँ। दोस्तों अच्छा लगता है पता है, ऐसे कप गिलास एक जगह सेपरेट हो जाएंगे, पूरे डब्बे डब्बे इधर की तरफ आ जाएंगे, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। सारे डब्बे यहाँ लगा दूंगी ना, अभी तो आधे डब्बे खा लिए, इनमें दाल वाल डालनी है, सब कुछ डालना है, राशन भी नहीं आया घर का, जो मैं डालती हूँ महीने का अभी तक नहीं आया है, तो सब काम करती हूँ तो सब काम आराम आराम से होते हैं, बट हो जाए। ये जी हमारी चाय, और हम दोनों ने किचन सेट कर दी इसने और मैंने, जल्दी से चाय पी लेते हैं, पीनट बटर लगा लेते हैं। मम्मी की चाय मम्मी के कमरे में दे दी, क्योंकि अनायक और महक सब साथ में बैठे हैं। ये जी मेरा एक और पार्सल आ गया, और मैं देख रही हूँ डर सबको लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और ये मेरा पार्सल आ गया चम्मच का सेट, क्योंकि हमारे चम्मच गुम हो गए थे, इसके लिए मंगाया मैं। फ्रेंड्स ये देखो कुछ इस तरीके से निकला है, मैंने इनसे मैंने बोला था खाली चम्मच ऑर्डर करने के लिए, पूरा सेट समेत ऑर्डर कर दिया। ये दीपू भी दीपू है, जा इसे सजा दे किचन में बेटा। इस लड़के को देखो इसने क्या किया, पूरे सेट की ना अम्मम बहनम एक कर दी इसने, टाइट लगाई उसको बेटा। अब चम्मच लगा, छोटे चम्मच छोटे सेट में, वो चम्मच वैसे सेट में, सजा दी दोस्तों। अनाया को लिया, अनाया को खाली डब्बा दे दिया है मैंने, बाकी अभी वो वहां रखा हुआ, इसके लिए मोगली लगा दिया मैंने, डर सबको लगता है कभी ये डर जाए बच्ची, इसके लिए नाना नाना। जंपिंग 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 जंपिंग, अच्छा दोस्तों मैं इसको ऐसे ही खिलाती रहती हूँ, इसकी मम्मी रोटी बना रही है, मैं फिर सब्जी बनाऊंगी, है ना। अरे क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है, अरे ये कहाँ चल रहा है।
दौड़ा दौड़ा तुम बटाके दौड़ा, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो पुचड़ू चुपचड़ू ये भिंडी कट चुकी है, आधी महक ने काटी आधी मैंने काट दी, ये प्याज भी काट लिए हैं, बहुत बुरा हाल है मेरा। बिना गम के आंसू से रोते हुए देखा है किसी को? मैं रोती हूँ, मुझे आज इतना रोना आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने खूब से प्याज काटे और ऐसा लग रहा है आंखें बिल्कुल खुली रही है यार, बहुत बहुत अजीब सा लग रहा है। बहुत तेज प्याज था भाई, बहुत तेज प्याज था। मुझे एक तरीका बताया था किसी ने कि जब भी प्याज काटो तो प्याज को बीच में से चाक मार के नमक में धो लो तो मिर्चें कम लगती हैं, बट मैंने वो तरीका नहीं आजमाया, इसके लिए मेरी ऐसी हालत हुई है। बट आप ये सब नहीं करना, अपना नमक में प्याज धो के काटना, ठीक है? भिंडी बना रही हूँ मसाले वाली, चलते भिंडी बनाने के लिए। फ्रेंड्स मैंने प्याज गर्म कर दी थी, लाल मिर्च गर्म कर दी थी, इसमें हींग अजवाइन और जीरा डाल दिया था, उसके साथ डाल दी मैंने भिंडी क्योंकि फ्राई भिंडी ऐसी बनती है। अब इसमें डाल दूंगी मैं सारे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, नमक और मैगी मसाला। ये जी देख लो, ये मेरी भिंडी इस तरीके की बनी। टमाटर मैंने सबसे एंड में डाले क्योंकि टमाटर भिंडी नहीं कहलाते, भिंडी सिर्फ थोड़ी सी कच्ची है, ज़्यादा कच्ची नहीं है। और नींबू भी डाला है मैंने इसमें, निचोड़ के इसमें ही डाल दिया, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है और मतलब खट्टा खट्टा मीठा मीठा आएगा और कुछ नहीं। बस हरी मिर्च बिल्कुल नहीं डाली इसमें, सिर्फ लाल मिर्च के छौके की है ये भिंडी मसाला, लाल मिर्च छौका इसका नाम है। इस पर तवा, इन किचन ऑलमोस्ट क्लीन है क्योंकि सब महक करके गई थी, बस खाली मैं ये दो पे बर्तन धो दूँ उसके बाद जा के लेट जाऊँ। मेरी भिंडी कुछ इस तरीके से हो गई है। मैंने ना फ्रेंड्स इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल दिया था, इसलिए डाला था ताकि मसाला पूरी भिंडी में हो जाए। ये देखो, देखते हैं अभी गली है कि नहीं है, गल गई फाइनली, भिंडी गल गई है। बस इसको एक बार और स्टीम पे रख देंगे थोड़ा सा ड्राई होने के लिए। काश मैं आप लोगों को खिला पाती, ये भिंडी बहुत स्वादिष्ट बनी है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी मम्मी को कच्ची चखा के आई थी, मम्मी को मज़ा आ गया, मम्मी आंखें मारने लग गई थी। कैसी लगी मेरी भिंडी? फ्रेंड्स मैं अपने लिए खाना लेके आ चुकी हूँ, खा लेती हूँ, टीवी चला रही हूँ, थोड़ा देख लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ यार। तो जी अमान को देख लो, ये अमान ने लगाई है मस्त वाली लाइट हमारी, दिख जाएगा ये देख, ये है अभी कोई और सी जलेगी, अभी पीली जल रही है, पता नहीं कौन कौन सी जल रही है, ये कलरफुल लाइट अभी लाल जल रही है। देखो हमारी ये वाली लाइट पता नहीं अचानक से क्या हुआ खराब हो गई है, और यहाँ पे कहीं पे भी बल्ब का कोई स्विच नहीं है। फ्रेंड्स कहाँ लगाऊँ, अभी ग्रीन जल रही है, देखो बाहर चलते हैं, बाहर ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। मम्मी यहाँ बैठी हुई है और अनाया यहाँ पे है, अनाया अभी अभी छोड़ा है मैंने इसको, इसकी मम्मी खाना खा रही थी। बट फिर भी गाइस ये देखो हमारे घर में सुबह सुबह लोग जागे रहते हैं, ये भाग रही है, ये देखिए गाइस ये हमारी भाभी जागी है, अनाया रात में सो नहीं रही, देखो टीवी चल रहा है, और ये देखो हमारी मम्मी तो सोती नहीं है, अगर यही नहीं सोएंगी तो अपने बच्चों को क्या समझाएंगे। ये देखो ये भाग रही है बिना मेकअप के, देखो और नहीं मैं बिना मेकअप के भी नेचुरल ब्यूटी हूँ, ये देखो नेचुरल ब्यूटी दिखा दे एक बार, ये देखो ये देखो ये कैमरा अच्छा है ना, किस लक्ष्य आ रही है कैमरा अच्छा, ये देखो मुंह छुपाया जा रहा है, ये देखो ये मुंह छुपा रहे तो मैं तो नेचुरल ब्यूटी हूँ, खबर रहा। और बता आप ही दोस्तों, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, बहुत तेज नींद आ गई है, अनाया को उसकी मम्मी को दे दिया है। तो अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, जो मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।